नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी बात कर रही हूँ साउथ एक्स सेंटर से। आज हमारे साथ देवगति जी की बेटी है शशि जी। वो अपनी मदर की जर्नी बताएंगी, कैसे शुरू हुआ था बीमारी, कब वापस आ गया वो, कब रीअक्रेंस हुआ और कब से हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है, एक बार शशि जी बताएंगी। नमस्कार शशि जी, प्लीज़ बताइए, आप शुरू से लेकर के अभी तक बताइए जर्नी कैसी रही है। मम्मी को काफ़ी ज़्यादा कफ हो गया और उनको बोला भी जा रहा था, तो फिर उनको फिर मैं चेकअप कराया तो पता लगा कि मेरी मदर को कैंसर रिकॉग्नाइज हुआ है और ये दोबारा से रीअग्रेंस हुआ है। उनको पहले 2019 में हो चुका है, उनको सर्विक्स कैंसर हुआ था, उसमें हमने उनको कीमोथेरेपी और रेडिएशन प्रोसेस से ठीक तो करा दिया था, लेकिन दोबारा से फिर मेरे सामने आया। और मेरी मदर इस समय 62 ईयर ओल्ड है, तो वो काफ़ी वीक है, उम्र समझ नहीं पा रही थी कि उनको दोबारा से इलाज कैसे करा। मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी जब मैंने उनकी कंडीशन सुनी कि रिपोर्ट आई कि उनको दोबारा से परेशानी हो गई है। इवन मुझे रात को नींद भी नहीं आई, फिर किस्मत से कह लीजिए कैसे कि मुझे फेसबुक पे अपने आप ही अचानक ये नज़र आया कि हम मतलब एक इम्यूनोथेरेपी है हमारे बीच में जो कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी थेरेपी है। और वैसे मुझे उस समय ये लगा था कि पता नहीं कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी मदर के लिए कुछ अच्छा सा हो जाए, तो वाकई में ऐसा फील हुआ यहाँ आके। और अब 18 फेब से मेरी मदर का इलाज स्टार्ट है, यहाँ पे काफ़ी रिलीफ है उन्हें, खांसी नहीं है, कफ नहीं है, नींद की समस्या थी जो कि अब नींद भी भरपूर लेती हैं और भूख भी अच्छी लगती है उनको, और मतलब पहले से काफ़ी अच्छी महसूस कर रही है। जो कैंसर आया था तो दोबारा रीअक्रेंस हुआ था, तो हमने जब रिपोर्ट देखी तो उसमें हमें पता लगा कि कैंसर ये लंग में भी चला गया है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व्ड है। जब शुरू किया था अपना इलाज उस टाइम पे बहुत खांसी होती थी, खांसी वगैरह में रिलीफ दिखा हमें, है ना। अभी खाना भी खा पाती हैं प्रॉपरली, सो भी लेती हैं, ठीक से नींद आती है, जो पहले नहीं होता था। हाँ, पहले ये सब में थी। तो अब मदर पहले से कुछ पॉजिटिव हैं, खुश हैं? हाँ, पहले से काफी खुश हैं वो, क्योंकि एक आदमी होता है कि जब आदमी बीमार होते हैं होने लगता है तो वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, और मेरी मदर इस समय मतलब काफी अच्छा महसूस करते हैं, तो वो हमें डांटती भी है ना तो भी बहुत अच्छा लगता है कि वो पहले से मम्मी दिखने लगी है। तो वो पहले से आप चेहरा भी उनका ठीक लगने लगता है, वेट वगैरह पूरा इंक्रीज, काफी मतलब खुश रहती है बच्चों के साथ। और पहले तो बहुत चिड़चिड़ापन रहता था चेहरे पर, किसी से बात नहीं करना, हमेशा मायूस रहना कि अब मैं कैसे रहूंगी कैसे करूंगी। अब धीरे धीरे आदमी उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो वो आगे के लिए फ्यूचर प्लान करने लग जाती है। वेरी गुड, मतलब ये हुआ कि पहले जो एकदम निराश रहती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, उनके मन में एक डर था कहीं ना कहीं, वो डर अब निकल गया। हाँ, अब जब हमारा इलाज चल रहा है, मैं ठीक हो रही हूँ, तो अपने फ्यूचर की प्लानिंग, हाँ, वो सोचने लग जाती कि भाई मैं अब ये करूंगी अब ये करूंगी। पहले हम पैसों के लेके थोड़ा सा मम्मी परेशान होती थी, लेकिन अब कहते हैं कि जाने तो जाने दोबारा कमा लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। शशि जी, दूसरे बिकॉज आप खुद भी टीचर हैं, हाँ जी, तो बहुत अच्छा बोलती भी हैं आप, मुझे बताइए कि दूसरे कैंसर के पेशेंट्स जो बहुत डाउटफुल रहते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फायदा करेगी नहीं करेगी, आप उनको एक क्या मैसेज देना चाहोगे? कैंसर अपने आप में बहुत डरावनी एक अवस्था रहती है जिसमें आदमी डर जाता है बहुत ज्यादा, तो कुछ ना सीधे कुछ तो है हमारे बीच में जिसके जिसके लिए हम फेथ रख सकते हैं कि हम अपने पेशेंट को और अच्छा से मतलब क्योर कर पाएंगे। शुरू में जब आप आए थे तो कैसे विश्वास रखा था इस ट्रीटमेंट के लिए? बस ये सोचा था कि यहाँ से तो मैंने इलाज करा के देख लिया, कुछ नया हो बस मेरी मदर के लिए कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि अब हमारे बीच में सिर्फ मदर है जिनको मैं भूला नहीं चाहती। और धीरे धीरे जब करके आपने इलाज उनको देना स्टार्ट किया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। हाँ, वो धीरे धीरे अपनी परेशानियां कम बता रही है, तो इसका मतलब मेडिसिन काम कर रही है और जहाँ मैं आई हूँ मतलब मुझे एक सही पाथ मिल गया है। बिल्कुल, थैंक यू शशि जी, एक दूसरे कैंसर के पेशेंट्स के लिए इतना मोटिवेशनल हमें मैसेज देने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद यही करूंगी और भगवान से प्रार्थना भी ये करूंगी रिकवरी और जल्दी हो, होपफुली मैम आपकी दुआ कबूल होगी।